एक मेंशन करूंगा हीरो मोटोकॉर्प, इसको मैं लाल ले जा रहा हूं। मोटरसाइकिल स्कूटर्स इंडिविजुअल सेल्स छोड़ देता हूं क्योंकि अनुमान लगते हैं कुल बिक्री के आंकड़ों पे। तो कुल बिक्री आई है 490,415 यूनिट्स, साल दर साल 5.5% का डिक्लाइन, और एस्टिमेट्स का कह रहे थे 4% के आसपास का इंक्रीज होगा साल दर साल, तो 9.5% का डिविएशन है। हीरो मोटोकॉर्प एक मिस है आंकड़ों में, इसने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करा है पर नंबर्स एटलीस्ट अच्छा, इसकी रिलीज पढ़ेंगे तो उन्होंने फिर फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स से पूरी कहानी सुनाई तो लगेगा कितना रोजी से बिक जाएगा और फिर नीचे धीरे जब उतरोगे आपसे मंथ के आंकड़ों में तब आपको दिखेगा दिक्कत आ गई। 5.5% गिरी हुई बिक्री का आंकड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। हीरो मोटोकॉर्प लाल के साथ जाऊंगा। अशोक लेलैंड को मैं रख तो ग्रीन रहा हूं क्योंकि स्टॉक में है इनहेरेंट स्ट्रेंथ, या कंसोलिडेशन कर रहा है और धीरे धीरे करके अब इंच अप करना शुरू हुआ है, पर इसके आंकड़े बुरे नहीं। अब एक्सपेक्टेशन जो थी उसके पर्सपेक्टिव में बुरे नहीं, अपने आप में तो 4% बिक्री गिरी, टोटल व्हीकल सेल्स आई है 22,866 की, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 4% का डिक्लाइन, पर 22,866 कहीं बहतर है 21,100 यूनिट जो नोमुरा के एस्टिमेट्स थे। 4% बिक्री गिरी, गिरनी थी एक्सपेक्टेशन थी 12% गिरने की, तो फ्लैटिश बिक्री है जब पेन एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अशोक लेलैंड को मैं ग्रीन ले रहा हूं, पर ध्यान रखिएगा वैसे ही आउट परफॉर्मेंस शुरू हो चुका है स्टॉक का, कल भी 2% मजबूत था। तो ये दो आंकड़े, हीरो मोटोकॉर्प लाल में, अशोक लेलैंड हरे में, आप जरा वॉचफुल रहिएगा, पहले देखिएगा सेशन कैसा पैन आउट हो रहा है। फिर अच्छा ये लाल हरा है आज। अब आइए लाल में, अब आई गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज, एक छोटी टिकट साइज का काउंटर है और कल मेरे ख्याल से सर्किट पे लगा हुआ था तेजी के, मैं इसको लाल ले जा रहा हूं। तो आप जरा ध्यान रखिएगा ये अच्छा भाव नहीं दिख रहे हैं क्या, जीएनआरएल के नाम से देखिए। कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक थी 1 अप्रैल को, यूनैनिमसली डिसाइड करा गया प्रेफरेंशियल इश्यू कैंसिल कर देने के लिए। कैंसिलेशन इस बात के लिए कि जो प्रपोज्ड अलॉटीज थे अब वो कह रहे हैं हम अनविलिंग है प्री डिटरमिंड प्राइसेस पे जो डिसाइड हुआ था उस पर सब्सक्राइब करने के लिए, हम पैसा नहीं। तो कंपनी कह रही है हमने बेस्ट एफर्ट्स रखे थे इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के, लेकिन जिस तरह से अलॉटीज ने अपना डिसीजन कन्वे कर दिया है अब हम सब्सक्रिप्शन के लिए प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो प्रेफरेंशियल इशू अगर वो रीजन था सर्किट टू सर्किट मूव करने का तो भाई साहब इसे लाल रखिए, पर बहुत छोटा काउंटर है मेरे ख्याल से और सर्किट टू सर्किट चल रहा है तो वॉच आउट करेंगे, लेकिन लॉजिकली अगर आप इसीलिए घुसे हुए तो ये आपके लिए थोड़ा सा अपडेट है, इसलिए ध्यान रखिए। लाल हरे लाल के साथ अपना पहला 3 स्टॉक हो चुका।